कैरम कंपटीशन ऑल इंडिया के देखरेख में हो रही है। तो इसी तरह से कहा गया कि 10 टीम बहुत अच्छी टीम थी और कुछ टीम के लोग भी आए थे वहाँ। तो प्लेयर ने कहा कि अभी हम कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम इंडियन ऑयल के प्लेयर से कभी मिले, लेकिन ये आपने एक मौका दिया था जिसे हम इंडियन ऑयल के प्लेयर से मिले, भारत पेट्रोलियम के प्लेयर से मिले, नुमलीगढ़ के प्लेयर से भी मिले, ऐसी एक व्यवस्था आपने करवाई थी। तो इससे प्लेयर्स को भी पता चलता है कि हमारा नुमलीगढ़ नाम की एक रिफाइनरी भी है आसाम में और वो इंडिपेंडेंट है, आप लोग मालूम है। तो बहुत लोग शायद इस बारे में पता भी नहीं था, जब खेल रहा था तो बोले ये कौन सा टीम आ गया, नुमलीगढ़ रिफाइनरी। इसीलिए इस तरह की खेल हमें करना चाहिए और इसे विशेषकर मैं ललित जी को धन्यवाद देता हूँ, मैंने उसको कहा और उसने स्वीकार कर लिया और इसको किया उन्होंने। बहुत मैंने सोचा था शायद थोड़ा समय लगेगी, शायद जनवरी फरवरी तक पहुँच जाएगी, लेकिन उसने उसी में लगे हुए थे। बाद में मुझे आके कहा कि दिल्ली सर मैंने सब कंप्लीट कर लिया, सिर्फ आपको 16 तारीख को जाना है और आपको फीता काट के उसका उद्घाटन करना है। तो अब सब व्यवस्था ललित जी ने किए हैं, उसका पूरा टीम या गौतम जी भी हैं सर, तो इनका टीम को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैंने जैसे कहा कि नुमलीगढ़ की देखरेख में हमारी फुटबॉल खेल बहुत अच्छी से हुई, वाकर टीम वाकर जो प्लेयर्स था उसने कहा, तो आज भी मैं आकर देखा कि यह क्रेज कंपटीशन, मैंने सोचा कि लास्ट वाला मैं देखना चाहता हूँ। मैं माधुर जी को फोन कर रहा था, माधुर जी ने कहा कि आप आधा घंटा के अंदर आ सकते हैं तो जरूर आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा गाड़ी जो पायलट गाड़ी थी वो चला गया रिफाइनरी के अंदर। बाद में देखा कहाँ आ गया रिफाइनरी, अरे पाइपलाइन जाना था मुझे, तो जो भी हो देख नहीं पाया। तो मैं ऑल इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा घर के पास ही है ऑल इंडिया, और लोग कभी कभी कहते हैं कि आपका टाइटल दिल्ली है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा घर के आसपास तेल निकलता है इसलिए मेरा टाइटल दिल्ली है। क्योंकि आप लोग मालूम है अपना टाइटल कोई ऐसे रखते नहीं, जैसे हमारी एक बहुत बड़ी नेता थी राजेश पायलट, वो पायलट थी जहाज चलाते थे, तो मैं भी कहा कि मेरा घर के आसपास में तेल निकलता है इसलिए मैं तेल ही। तो मैं ऑल इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग मालूम है मैं इस विभाग का मंत्री बनने के बाद हम लोग जैसे ऑल इंडिया की एक बहुत बड़ी ऑफिस भी हम बनाने वाले हैं जिसकी शिलान्यास होगी। करीब 5 बीघा ज़मीन हमें असम सरकार से मिला है, करीब शायद 300 करोड़ की ये ऑफिस बनेगी गुवाहाटी में बमनी मैदान में, उसका भी शिलान्यास होगा। हम विद्याजन ऑल इंडिया के हॉस्पिटल का भी खूब जल्द शिलान्यास करने वाले हैं। हमारी पुरानी जितनी भी क्वार्टर है उसको तोड़ के हम 7 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं हम लोग ऑल इंडिया। ऑल इंडिया सिर्फ आप दुनिया जन ऑल इंडिया नहीं है, इनका मतलब नए नए सेक्टर में भी जा रहे हैं। ऑल इंडिया सिर्फ मिट्टी से तेल निकालने वाला कंपनी अभी नहीं है, ऑल इंडिया जैसे हमारी नुमलीगढ़ रिफाइनरी का भी 77% शेयर ले चुका है, हमारी नामरूप पेट्रोकेमिकल्स का 49% शेयर ले चुके हैं, मतलब आप नहीं है आप तो ऑल इंडिया का। ठीक उसी तरह से डिब्रूगढ़ गैस के कर भी 10% शेयर ले चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नामरूप फर्टिलाइजर भी 26% शेयर के लिए हम लगे हुए हैं जो ऑल इंडिया लेंगे। इसे नए नए सेक्टर में ऑल इंडिया जा रही है और सिर्फ अब मिट्टी से तेल निकालने वाला कंपनी नहीं है, और तरक्की करे ऑल इंडिया यही हम आशा करते हैं, क्योंकि मैं दुलिया जान से हूँ। और मैंने कहा है CMD को मेरा तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं करने की कोशिश करूँगा, ये मैंने कहा। और इसी तरह से काम हो रही है, पूरा काम के ब्यौरा अगर दें तो बहुत समय लगेगा क्योंकि मुझे अभी वॉलीबॉल का भी वहाँ कंपटीशन चल रही है, वहाँ भी मुझे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मैं जितने भी यहाँ प्लेयर पार्टिसिपेट किए थे सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सिंगल्स
मेन ओमेन डबल में भी था मेन्स ओमेन्स ये टीम चैंपियन ना ट्रॉफी चैंपियन भी थे। विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूँ रश्मि कुमारी चले गए अच्छा लास्ट में बैठे हैं जो फर्स्ट में बैठने वाला आदमी तो लास्ट में बैठे इसे दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं रश्मि हो गया हमारी बहुत से लोग हैं मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ किसी नाम अगर छूट जाते हैं तो बाद में कहेंगे मंत्री जी मेरा नाम नहीं है इसलिए मैं सिर्फ रश्मि जी का ही नाम लिया। तो रमेश उमेश सभी है के रमेश भी है के रमेश शायद है आज तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता दो ही आदमी नाम ले के रमेश रश्मि। तो आप लोग आए यहाँ खेलें और इसी तरह से खेलते रहें आप यही हम चाहते हैं अपनी देश का नाम रोशन करें। और मैंने कहा कि ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं 5 इवेंट आने वाले दिन हम कोशिश करेंगे 10 इवेंट कैसे कर सकते हैं यही आप लोग कहना चाहता हूँ। और आप लोग हमारी कंपनी में हैं इसी तरह से आप लोग हमारी कंपनी का भी नाम रोशन करें यही मैं आशा करता हूँ। तो आप लोग आप गुवाहाटी में हैं अगर 2-1 दिन रहते हैं तो आप लोग हमारे यहाँ माँ कामाख्या के मंदिर है आप दर्शन करने जा सकते हैं। पास भी हमारी मेघ से ढका हुआ मेघालय एक सुंदर जगह है अगर समय मिले तो उसको भी जाइए देखिए मेघ से कैसे ढका हुआ है मेघालय। कुछ दूर में तवांग है लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड जाना चाहिए अरे हमारे देश में ही स्विट्जरलैंड है लोग देखना चाहिए अपना काला चश्मा उतार के यही है हमारा स्विट्जरलैंड तवांग तो ऐसी सुंदर जगह है नॉर्थ ईस्ट जरूर आप लोग जाइएगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ विशेषकर पुनः मैं PSB के हमारी एडवाइजर हमारे ललित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्रोग्राम का आयोजन करने में आपका पूरा सहयोग मिला मैं जैसे कहा उसी तरह साथ में किया। तो आज की विशेषकर मैं ऑल इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत सुंदर आयोजन है क्योंकि इस जगह मैं कुछ दिन पहले आया था जिसमें हम करीब 200-300 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया और आज भी मैं आया हूँ और परसों भी मैं जा रहा हूँ नागालैंड अपॉइंटमेंट लेटर ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया हूँ। तो ये जगह मेरे लिए शुभ है मैंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं करीब 200-300 लोगों को यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए और मैं यहीं से जा रहा हूँ कि दीमापुर जहाँ हम 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 12 मंथ मतलब 12 महीना में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो हम अक्टूबर 22 तारीख को हम 75,000 दिए थे अपॉइंटमेंट लेटर मैं अम्बाला में था उस समय और भी 22 तारीख को मैं दीमापुर में रहूँगा वहाँ भी 75,000 लोगों को हम अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आने वाले 22 तारीख को भी सर कहाँ रहेंगे पता नहीं इसी तरह से हम करीब 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो हमारी पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि मैं 2 विभाग के मंत्री हूँ पेट्रोलियम नेचर गैस और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग से भी हम 25,000 लोगों को हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा हम अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं। तो आज इस प्रोग्राम में आप लोग उपस्थित हैं आप लोग सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए मैं अपना वक्त वहीं समाप्त करता हूँ धन्यवाद। Thank you so much, sir. So now I request the advisor of PSPV, Mr. Lalit Watts, to please come over here and say a few words. Namaskar. Good evening, sir. आज यहाँ खड़े होकर मुझे बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरी टीम की तरफ से पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड की ओर से मेरी पूरी टीम की ओर से
जो सर तालियां बजा रहे थे और जो प्रशंसा कर रहे थे, वो अकेला मैं नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड से, चाहे वो मेरे मेंबर सेक्रेटरी हो, चाहे मेरे जॉइंट सेक्रेटरी हो, चाहे मेरे असिस्टेंट सेक्रेटरी जसजीत सिंह जी हो, चाहे वो काम करने वाले राजू, नीना, सुनीता, आशु, राजेंद्र हो और सचिन, उनके लिए ये तालियां बजनी चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए पूरी टीम के लिए। सर, जब आपने मुझे बुलाया था तब मैंने सोचा नहीं था कि हम ये कर पाएंगे, लेकिन मेरी टीम और मेरी मेंबर कंपनीज, यहाँ देख लीजिए ऑयल इंडिया टाउनशिप, सच ए ब्यूटीफुल टाउनशिप इट इज, नाइसली मेंटेन, कितनी सुंदरता है यहाँ पर। जब मुझे कृष्णा जी ने कहा कि हम नारंगी में करेंगे, मैंने कहा और मेरी टीम ने कहा, मैडम सोच लीजिए, नारंगी बहुत दूर, कैसे करेंगे, चैलेंजेस हैं। लेकिन जब हम यहाँ कल या परसों आए, मैं और गौतम, तो हमें यहाँ लगा कि जन्नत है। हमने सही डिसीजन लिया है कि नारंगी में ये कैरम टूर्नामेंट किया है। अगर प्लेयर्स लोग मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार जोर से बोलिए, थ्री चेयर्स फॉर ऑयल इंडिया हिप हिप। मजा नहीं आया, जोर से, थ्री चेयर्स फॉर ऑयल इंडिया हिप 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 हिप। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। जी हाँ, जोश जरूर रहना चाहिए। जब हमारे ऐसे लीडर रामचंद्र तेली सर हमें जब प्रोत्साहित करते हैं, हमारे अंदर गैस डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं और हमें कहते हैं चलो बेटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यू नो, चैलेंज बहुत थे, कठिनाइयां बहुत थी। 15 तारीख को जब हमने जो इनॉग्रेशन किया, क्या आपने उम्मीद की थी ऐसा इनॉग्रेशन हो सकता है? कोई एक जवाब दे दे। रश्मि जी, आप बता दीजिए, कैसा लगा आपको इनॉग्रेशन? ये सर के नेतृत्व में हुआ, तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सर जैसे जोशीला व्यक्ति अगर हो, मैं इनसे बात कर रहा था तो सर मुझे कह रहे थे मैं एक खिलाड़ी भी हूं। ऐसी भावना सिर्फ एक खिलाड़ी में हो सकती है। और उसके ऊपर ही इज होल्डिंग ड्यूअल चार्ज, जो इन्होंने कहा लेबर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज पेट्रोलियम। तो जो व्यक्ति लेबर के बारे में सोचता है, वेलफेयर के बारे में सोचता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचता है, वही ऐसे वक्त में दे सकता है कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए, प्लेयर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये हमारे सब स्पोर्ट्समैन के लिए गर्व की बात है। तो एक बार थाली ठोक के बोलिए, थैंक यू सर फॉर एनकरेजिंग अस, टेलिंग द मैनेजमेंट दैट दे शुड रिक्रूट प्लेयर्स, दे शुड फिल द स्पोर्ट्स कोटा एज सून एज पॉसिबल। Sir, I am thankful to Oil India, Shri Abhijit ji, Jayanto ji and Barua ji for extending all support. It would have not been possible without the support and especially Krishna and his team. Ek baar Krishna ji ke liye bhi zordaar taaliyan bajni chahiye aur puri team ke liye jinhone ye program aapke hamare samne prastut kiya. What a arrangement. And players, thank you. I know Oil India hosted Karam, BPCL hosting volleyball, basketball MNGL, badminton by ONGC and football by NL. I think this was one of the beautiful thought of the Honorable Minister for States. ऐसी सोच एक सच्चे इंसान में हो सकती है, एक अच्छे खिलाड़ी में हो सकती है। Thank you players. I will now request my Joint Secretary Gautam Wadhera ji to please come and tell what we have done in the field of carom from PSPB and how our players are performing in international tournaments. Our team has just won an international tournament on behalf national tournament for PSPB. Over to Gautam Wadhera. Big hand for Gautam Wadhera, please. Namaskar, good afternoon, Honorable Minister sir, all dignitaries on my right, my senior colleagues, my players, officials. Well, in the last 11 months, we have tried to do a lot of things, which are new things, like our national teams in table tennis and other games, they are doing well. But in carom also, we've been doing well for many years. And it was a good time to have a touch base with the players. And hum logon ko yahan ke bada acha laga jab hum 3 din pehle aaye the, sare players se mile, sari companies ke yahan par. तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो कि हमने कुछ प्रॉब्लम सोची सुनी, कुछ उनको एडवाइस देनी थी हमें, कुछ उन्होंने बताया कि कई जगह
उनको इतनी माइलेज नहीं मिलती, तो ये हमारा प्रॉमिस है कि जितनी जिस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जैसे हमारा पूरी टीम का मानना है कि और अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर कि हम खेल को बढ़ावा देंगे, कैरम को भी हम और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, मगर वो माध्यम आप ही होंगे। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा सर, जैसे आपने हमें अभी गाइड किया कि फुटबॉल के लिए कुछ कीजिए, फुटबॉल के लिए हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और अभी हमने वुमेन्स की जो लार्जेस्ट इंडिया वुमेन्स लार्जेस्ट लीग जो दिल्ली में होती है, जिसमें बाहर अलग अलग जगहों से लड़कियां आती हैं, उनको हमने प्रमोट किया, हमने स्पॉन्सर किया, और वो पीएसपीवी ने स्पॉन्सर किया है। जब हम कोई भी इवेंट पीएसपीवी का स्पॉन्सर करते हैं तो वो सिर्फ एक पीएसपीवी का झंडा या पी पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन को नहीं लगाते, जितनी भी हमारी 15 कंपनियां हैं उनके सबके लोगो लगाते हैं, क्योंकि जो भी ये पीएसपीवी कर रही है वो आपके लिए कर रही है और आपकी वजह से कर रही है। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर, एंड आई थैंक आर ऑनरेबल मिनिस्टर कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। बट मैं दो लाइनें आपको और बोलना चाहूँगा कि जब ललित सर को, जैसे सर ने बताया था कि वहाँ जाके आपको कुछ गेम्स करने चाहिए, तो एक बार को तो हम भी घबरा गए थे कि 5 गेम पहली बार, क्योंकि अभी आज तक हमने किए नहीं, कि क्या करेंगे। बट जैसे हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया, हम नॉर्थ ईस्ट में मैं ज़्यादा घूमा नहीं था, बट ये पीएसपीवी के माध्यम से ही मैं दुलिया जान भी गया सर, डिब्बॉय भी गया, डिब्रूगढ़ भी गया, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे था वो सारे गेम्स के लिए था, इसलिए ये डिसाइड हुआ था कि हम यहाँ करेंगे। बट जो प्लेयर्स का फीडबैक है, जैसे शिवा थापा को आपने 15 तारीख के प्रोग्राम में ऑनर किया था, तो उससे मुलाकात भी हुई, उसका ये कहना था कि सर्विसेज स्पोर्ट्स प्रमोशन मैंने सुना, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन मैंने सुना, बट ये पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन मैंने ऐसे नहीं सुना था कि वो ऐसा प्रोग्राम करता है। तो धन्यवाद आप सबका, ऑल दी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, और आगे भी हम करेंगे, एंड आई थिंक द ट्रेंड हैज बीन सेट बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर, जैसे उन्होंने हमें गाइड किया है, और जैसे सर कह रहे हैं कि 10 गेम, तो सर कोशिश पूरी रहेगी कि अगले साल हम 10 गेम करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। So finally the time has come which we all have been waiting for. Now it's time to give away the prizes. It's time for the prize distribution, and for that I would request our honorable union minister Shri Rameshwar Teli ji. We would first of all, and also the other people on the dais to assist him. So first of all we would get started with the team events in men's category. So we would like to get started with our team events in the men's category, starting off with second runners up. Well, the second runners up of the team events, it goes to HPCL. Please put your hands together for team HPCL. PS Adarkar, PC Walke, Tushar Rawl, KD Samri, GD Rajpurkar, requesting them to please come over here near the stage. Please put your hands together for our first runners up in the team events, and it goes to
Congratulations to the first runners up of the team events in the men's category. It's ONGC. Well, finally, now it's time to come to the winners. Requesting the winners to please get ready. Well, coming to the winner of the team events in the men's category, and it's the none other than IOCL. Please put your hands together. K. Srinivas, Mohammad Gufran, Yogesh Pardeshi, K. Ramesh Babu. Zordar taaliyan ho jaye hamari winner ke liye IOCL, Indian Oil Corporation Limited. In the men's category, singles, well,
The runners-up is from IOCL. Please put your hands together for Mr. K. Srinivas. Zordar taaliyan ho jaye in the men's category, individually this the men's category. His singles may winner, runners-up hai Mr. K. Srinivas from IOCL. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिस्टर के श्रीनिवास जी का. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. जोरदार तालियां बजाने के लिए. Congratulations to both of you once again. Now it's time to move on to the next.
next category that we have, it is for the men doubles. And starting off with the runners-up, and the runners-up is none other than IOCL. From IOCL, Mr. Yogesh Pardeshi and Ramesh Babu. Zunga taliya ho jaye, dono se nivedan karti hu ki ve manch ke paas aaye. Men doubles, it goes to none other than again our IOCL K. Srinivas and Mohammed Gufran. Zordar taliya ho jaye dono ke liye. Congratulations to both of you. Congratulations, Mr. Yogesh Pardeshi.
तिवारी। Well, yes, the first retiring from HPCL, he is Mr. Vilas D. Rajpurkar. Mr. Vilas D. Rajpurkar ji ke liye zordar taaliyan ho jaye. And unke bare mein agar bolu, he was working in HPCL since the year 1987 as Chief Administration Superintendent for the last 35 years. Represented HPCL in many PSPB and public sector CARAN tournaments and achieved many awards for HPCL CARAN team. Well, he's superannuating in December 2022. Aur ek baar zordar taaliyan ho jaye for Mr. Vilas B. Rajpurkar. Next up, we have Mr. Prashant C. Walke. Zordar taaliyon se inka swagat karte hain. And he has been working in HPCL since the year 1991 as Chief Maintenance Technician in HPCL, Mumbai Refinery for the last 32 years. Represented HPCL in many PSPB and public sector CARAN tournaments and achieved many awards for HPCL CARAN team. He is superannuating in April 2022. मार्ग
रिक्वेस्टिंग जयंत सर चीफ रेफरी अलोंग विद मेंबर्स टू प्लीज टेक द मेमेंटो. चीफ रेफरी मृदुल तालुकदार, मिस्टर मृदुल तालुकदार एंड टीम एंड ऑल द बोर्ड एम्पायर्स टू प्लीज कम टू द स्टेज. उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार. वी हैव टेक्निकल टीम ऑब्जर्वर मिस शर्मिला बोरा, टेक्निकल डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत नेव, चीफ रेफरी मिस्टर मृदुल तालुकदार, असिस्टेंट चीफ रेफरी मिस्टर संजीव नेवार, असिस्टेंट चीफ रेफरी मिस्टर दिगंत बोरा, डेक्स हेल्पर मिस्टर जुगल किशोर दत्ता, डेक्स हेल्पर मिस्टर प्रताप बोरठाकुर, बोर्ड अंपायर मिस्टर रूपम पाठक, बोर्ड अंपायर मिस्टर नवदीप बोरा, बोर्ड अंपायर मिस्टर तापस कर्माकर, बोर्ड अंपायर मिस्टर गोविंद शर्मा, बोर्ड अंपायर मिस्टर फजलुल करीम, मिस्टर जीवन देका, मिस्टर अजीत दास, मिस वंदना बुरुआ, मिस हिमाक्षी वैद्य, मिस हिमाश्री बोरा, मिस्टर दीपुल ब्रह्मा, मिस्टर सोनू चौधरी, मिस्टर भास्कर सेकिया, मिस्टर दिव्य ज्योति शर्मा, मिस्टर मृणाल खकारी, मिस्टर बीकी सिंह, मिस्टर मुजीबुर रहमान, मिस्टर टीपू अहमद, मिस्टर तपन वैद्य एंड मिस्टर रिंकू दास. From MRPL, Sarita Bhandari, Executive Information Systems. All players with their trophies kindly come forward. A joint group photograph with the will be taken later. Yeah. Well,
one more person retiring this year from MRPL. She is Sarita Bhandari, Executive Information Systems. Please put your hands together for Sarita Bhandari. सरिता भंडारी जी के लिए जोरदार तालियां। सो यस आफ्टर दिस आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स आउट हियर For the vote of thanks, I request Mr. Jayanta Hazarika, CGM, PLM, MMMOM, after this. Department and its staff, we have been
members of organizing committee, without whom this would not have been possible. I want to mention specially to ladies, Ms. Karishma Hazarika Rao, Krishna Hazarika Rao, and Uma Hiram, who gave my address for the last couple of weeks, and everything to be deserved a big clap. Thank you, sir. And for the tournament closing, I request Honorable Union Minister Rameshwar Teliji. देखिए मैं दो विभाग के मैं मंत्री हूँ, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और एक भारत सरकार के मंत्री के पास इतना समय नहीं होता है कि एक खेल में दो बार जाए। लेकिन इसकी शुरुआत मैंने की, जिसमें मैंने कहा कि ललित जी को मैंने कहा कि कम से कम 5-6 इवेंट होना चाहिए। आज अब ललित जी और पूरा उनका टीम, मतलब हमारा पीएसपीवी ने कहा कि हम करेंगे, उसी तरह से किए। इसलिए मैं जिस दिन उद्घाटन था 16 तारीख को भी मैं था, और आज समापन हो, मैंने कहा कि आज भी मैं रहूंगा। लेकिन मैंने कहा, जैसे मैं दो दो विभाग का मंत्री हूँ, आप लोग भी दिल्ली उल्ली में रहते हैं, आप लोग बोलिएगा तेली जी के यहाँ मिला, 2 घंटा बैठा था, दिल्ली में मिल सकता हूँ, यह मिलना मुश्किल है क्योंकि पूरा भारत के लोग जाते हैं। और मैंने सोचा, ये मैं असम से हूँ और ये खेल पहली बार हो रही है, इसलिए इसके समापन समारोह में भी मैं कुछ समय रहूँ। तो ललित जी ने कहा कि 5 खेल था जिसमें 2 ऑलरेडी हो गए और प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 3 खेल बचे हैं। अगर आप का अगर समय है, 3 खेल में आपको रहना होगा। उसी तरह मैंने फुटबॉल खेल की समापन समारोह में था, अभी आप लोगों के बीच में हूँ, और इनके बाद मैं वॉलीबॉल के समापन समारोह में रहूँगा। तो आप लोग विभिन्न परदेशों से आए हैं, जो हमारी ऑयल कंपनी है वहाँ से, तो आप लोग सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इसी धरती से हूँ, मतलब मैं असम से हूँ, और 29 इंटर यूनिट पीएसपीबी कैरम कंपटीशन का समाप्त हो गया बोलकर मैं घोषणा करता हूँ। Thank you, sir. So may I request everybody, all trophy winners, to come. We will have together all the photographs, all the winners, because we don't have time. Sir has to go somewhere for that volleyball tournament. So please, please together. Please pardon me. We will have all group. We are all part of the oil sector, oil industry, Indian Oil, ONGC, HPCL, NRL. Everybody together. Let's have something different this time. So all the teams, please come together. Together, everybody, Gautam, please come on the dais, and all the office bearers also, please come on the dais. Please come. आगे आ जाइए. नहीं नहीं, आप trophy पकड़ के बैठेंगे कैसे? Trophy छुप जाएगी. पकड़ के रखिए, trophies को पकड़ के रखिए अपने हाथ में. Only the dignitaries will be on the dais. आप आगे आ जाइए photographs के लिए, please नीचे. नीचे आ जाइए सर लोग, ओनली द ऑफिस बेयरर्स एंड डिग्निटरी, सर आप बीच में आइए प्लीज, जल्दी करिए, सर को कहीं जाना है, वॉलीबॉल वाले प्लेयर्स भी इंतजार कर रहे हैं।
हो रहा है क्या? हाँ ना, नीचे से ले रहा हूँ, शायद नहीं होगा। और कोई ट्रॉफी विनर्स है यहाँ पर? प्राइज विनर, ट्रॉफी विनर, फेयर प्ले, एनीबडी? ओके, देखिए सर ने हमें जोश दिया है, मेरे में भी जोश आ गया, तो ट्रॉफी के साथ में गाना भी बजेगा, थोड़ा सा जोश भी आना चाहिए, सब लोग बोलेंगे, ठीक है? ओके, तो आप भी आ जाइए। ಅವರು ಪ್ರಪರ್ ಎರಡನೂ ಕೂಡ